अनवारुल हक काकड़ मीडिया पर अपना गुस्सा ना निकालें। सीनियर सहाफी आसमा शेराजी ने निगरान वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी आसमा शेराजी का कहना था कि निगरान हुकूमत को अभी तक इदराक ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। वजीर खजाना बहुत अच्छी और काबिल खातून हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक जारहाना पॉलिसी देखने को नहीं मिल रही। बिजली का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो इदराक है, खास करके अगर आप वजीर खजाना को देखे, बहुत अच्छी खातून है, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत काबिल खातून है, लेकिन एक एग्रेसिव जो पॉलिसीज होती है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। आसमा शेराजी ने मजीद कहा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक जानते हैं कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मीडिया की जानिब से जो प्रेशर आया और उन्होंने इस बात का तस्करा भी किया कि मीडिया को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। निगरान वजीर आजम के तौर पर इदराक है अनवारुल हक काकड़ साहब को कि चीजों को अगर इसी तरह से चलाया गया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक प्रेशर जो मीडिया के हवाले से उनके ऊपर आया और उन्होंने बार बार इसमें तस्करा भी किया कि मीडिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए। आसमा शेराजी ने मजीद कहा कि वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मीडिया पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा निगरान सेटअप को जारहाना तरीके से मसाइल को देखना चाहिए था। हालात क्या है, वाकयात क्या है, किस तरह के मामला है, वो सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इसका गुस्सा मीडिया के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। जो वेंटिलेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा जो निगरान सेटअप है इसको एग्रेसिवली इसको एड्रेस करना चाहिए था, वो हमें आज भी उस तरह से नजर नहीं आया। आसमा शेराजी ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से बिजली के बिलों का जो मसला बना हुआ है उसमें फौरी इकदामात की जरूरत थी, कोई पॉलिसी की जरूरत थी, लेकिन आज भी वजीर आजम इसका जवाब दे रहे हैं और वजीर खजाना और वजारत तवानाई इस मसले पर बात नहीं कर रहे। आसमा शेराजी ने मजीद कहा कि काबीना सिर्फ वजीर आजम का नाम है और जिस संजीदगी से मसाइल को लेना चाहिए था वो शायद इस काबीना के लिए मुश्किल है।